चलिए बड़े दोस्तों क्वेश्चन आप सुने। देखो प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं योग 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 60, तो दोस्तों 60 सम संख्या कहाँ मिलेगी? 60 सम संख्या मिलने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 6 × 2 = 12, 120। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 120 तक जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले संख्या सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो पहले संख्या क्या होगी? 2 होगी, अगली होगी 4 होगी, अगली 6 होगी, अगली 8 होगी, इसी तरह अपन जाएंगे 120 तक। कहाँ तक जाएंगे? 120 तक जाएंगे। जब अपन 120 तक जाएंगे तो 120 में अपनों को यहाँ पे 60 संख्या सम मिलेगी और 60 मिलेगी अपनों को विषम। तो अब अपनों से पूछा गया प्रथम 60 सम संख्याओं का योग बताइए, तो अपनों इन सम का योग करना है, 60 का योग करना है ना। तो 60 का योग करने के लिए क्या करें दोस्तों? देखिए सम संख्या के योग का फॉर्मूला देखो, संख्याओं के योग, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है दोस्तों? संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? 60, और 60 नहीं कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। सीपर का गुणा तो पहले आ जाएगा, 6 × 6 = 36, 3660, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आता अपना विषम संख्या होगा, ये तो सम संख्या अपने निकाल ली। अगर अगला क्वेश्चन आता है विषम संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग प्राप्त कीजिए। देखो तो 80 संख्या तक जाना है, तो वही 2 से गुणा करेंगे, तो 8 × 2 = 16, 160 तक जाना पड़ेगा है ना। तो देखो विषम संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, ऐसे प्लस यहाँ पे अपन वो 160 तक जाएंगे। तो 160 में अपनों को 80 तो सम मिलेगी और 80 विषम मिलेगी, ठीक है। अब अपनों को 80 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो 80 विषम संख्या योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला दोस्तों देखो कि योग का फॉर्मूला है एन स्क्वायर। तो संख्या कितनी है? 80 है, 80 का स्क्वायर तो 8 × 64, 6400, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना।